भगवान के जितने गुणगान करें बहुत थोड़े हैं. किसी शिष्य ने गौतम बुद्ध भगवान से पूछा था कि आपने तो बहुत कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ जाना है, थोड़ा हमें भी बतलाइए. तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है वो सिर्फ ऐसे ही है जैसे पृथ्वी में से कोई एक कण को मैंने जान लिया हो. ये अनंत को, ये परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है. ये अनंत है, अखंड है, अच्छेद है, अभेद है. अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी. वेदेषु दुर्लभम, उन्हें जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे. सुदुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम, अदुर्लभम आत्मभक्तो. लेकिन आत्मभक्तो यानी जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, अर्जुन जैसे, उद्धव जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे, ध्रुव महाराज जैसे, अदुर्लभ, उनके लिए अदुर्लभ है. उनको भगवान को समझ पाना बड़ा सरल है. क्यों? प्रेम. आत्मभक्त हो क्योंकि वो प्रेमी भक्त हैं. प्रेम बड़ी चीज है. प्रेम से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है, और कोई कारण नहीं है. कि शास्त्रों से, ज्ञान से, ध्यान से जानने की कोशिश करी तो व्यर्थ हो जाएगा. भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है. प्रेम को ही भक्ति कहा है. भक्ति विलोचनी न प्रेमांजन छुरिता, भक्ति विलोचनी न भक्ति भरे नेत्र होने चाहिए, भक्ति के चक्षु होने चाहिए, प्रेम के चक्षु, तब उनको उनकी पहचान होती है, जल्दी से पहचान होती है. फिर वो जर्रे जर्रे में नजर आते हैं. जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने इसकी पहचान की. वो छोटी छोटी चिड़ियों में भी वो ही बसा हुआ है, फूलों में उसी की गंध है, सूर्य में उन्हीं का प्रकाश है, जल स्रोतों में जल में स्वाद वही है, अग्नि के रूप वही है, वायु के स्पर्श वही है, आकाश में जो शब्द गूंजता है वो स्वयं भगवान ही है. ये भगवान के कलाएं हैं, विभूतियां हैं. भगवान ने कहा कि वेदों में ऋग्वेद में हूं, लेकिन कभी हम उठा के नहीं देखते. जल स्रोतों में गंगा में हूं. आज वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचे कि संसार की जितनी भी नदियां हैं उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है, इसलिए उसका महत्व है. ये विदेश के वेस्टर्न कंट्रीज के वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है. लेकिन हमारे शास्त्र अनादिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों का धोया हुआ जो चरणामृत है वो जल है, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागीरथ के प्रार्थना करने पर उसमें से, कमंडल में से एक धार जमीन पर आई, वो गंगा है. उसका महत्व है. साइंटिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, लेकिन उन्होंने जो अपने यंत्रों से जो खोजबीन की है, उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी नदियां हैं उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सीजन, जीने की शक्ति गंगा के जल में है. इसलिए गंगा जल का बड़ा महत्व है. और जब आदमी शरीर त्यागता है
तो गंगा जल उसको एक टप का डाल दो तो तुरंत ही विष्णु भगवान की याद करता है कि विष्णु के चरणों से आई हुई है, उसकी परम गति हो जाती है। अंतमता सोगता, भगवान की याद करते हुए शरीर छोड़ जाए तो धन्य हो जाता है वो प्राणी। यम यम वापी स्मरम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अभ्यास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंत समय में याद आती है, और अंत समय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं, वैकुंठ के वासी बन सकते हैं। केवल कहने मात्र से नहीं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया या वैकुंठ सिधार गए, कहने से नहीं, कहने से काम नहीं चलता। वो तो आत्मा को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं ऐसे, या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे। सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया, बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। चिट्ठियों में लिखते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, फलाने दिन बारवां है, जरूर पधारना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये परम रहस्यमयी महामंत्र है भगवान को रिझाने का। इसके नामों का जिन्होंने आस्वादन किया है उनको ये प्रभाव मालूम है। ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बलशाली मंत्र है, क्योंकि स्वयं भगवान की पवित्र नाम इसमें है, होली नेम्स ऑफ गॉड। पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं, बाकी तो कोई जरिया नहीं है। ये कपड़े में मैल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्जवल हो जाता है, सनलाइट साबुन हो एकदम उज्जवल हो जाता है। ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए जो भावना को उज्जवल करे हमारे, और हमारी भावना उज्जवल होगी तभी हम सुखी होंगे। ये कभी नहीं भूलना, हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह पेन एंग्जाइटीज काम क्रोध मद मोह मत्सर लाल ये सब हमको सताएंगे, चारों तरफ से घेरेंगे। ये छह दुश्मन कहा इनको षडरिपु, ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक ले जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए। यहां पर तीन गुणों का सत्रवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत विशेष जोर देकर के अर्जुन को कहा है, बोला है, ज्ञान उपदेश किया है। श्रद्धा के विषय में बतलाया कि श्रद्धा जो हृदय में होती है, श्रद्धा का उदय होता है नाभि से, नाभि के अंदर से हृदय में आकर के इसका फूल खिलता है, श्रद्धा बलवती होती है। श्रद्धा के बिना प्रेम उदय नहीं होता, पहले श्रद्धा उदय होती है, श्रद्धा में प्रेम रूपी फल पकते हैं, फल लगते हैं। श्रद्धा ही नहीं है आपको भगवान के प्रति या किसी के प्रति तो प्रेम कैसे उदय होगा। फिर श्रद्धा कैसे उदय हो ये भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा उदय होने के लिए हमको तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान से हमारी भावना उज्जवल होती है। एक माँ अपने बेटे को, पुत्र को, छोटे बच्चों को बार बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रति बहुत स्नेह पैदा हो जाता है। जन्म के समय ना रहा हो लेकिन जब बच्चा 2 साल का 3 साल का 4 साल का 8 साल का डेवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है माँ का,
क्यों? क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में 100 बार पुकारती है, अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृष्णलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो, तो प्रेम उदय होता है। ऐसे कभी हम हरि को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरि के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है। प्रेम जागृत होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं हम, जानने की कोशिश करते हैं भगवान को, तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु जी के चरणों में बैठते हैं, जिनको अनुभव हो गया है, रियलाइजेशन हो गया है, भगवान का आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, भगवत साक्षात्कार हो गया है, ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं कि हमको भी कुछ ज्ञान मिले। उस ज्ञान से श्रद्धा पैदा होती है। जो अनुभव उस महान आत्मा ने किया, जिन्होंने तत्व से उस ईश्वर को पहचाना जाना, वो ज्ञान उपदेश करता है, उनके वाक्यों में श्रद्धा पैदा होती है, गुरु के वाक्यों में, फिर उन वाक्यों से प्रभु में श्रद्धा पैदा होती है, परमेश्वर में श्रद्धा पैदा होती है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया, तद्विद्धि प्रणीपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तू मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो, वो तुझे ज्ञान उपदेश करेगा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू मुझे जान लेगा। तो ज्ञान से भगवान को जाना जाता है, श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा से प्रेम के अंकुर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, वृक्ष पड़े बेल फैलते, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीराबाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अभी तो गुरु को भी गिरधर गोपाल के भीतर ही देख रही मीरा, क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं, सारे गुरु समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु समाहित हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड समाहित है। इसलिए तो अद्वैत कह के बोला भगवान को कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है, हम भी आप भी, सारे पशु पंछी, जल तालाब समुद्र, सब भगवान के अंदर है। तो गुरु जी भी भगवान के अंदर ही है, बाहर नहीं। मीरा कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन के बीच में जाकर मीरा नाचने लगी, भगवान की गुणगान करने लगी। तात मात भाई बंधु आपनो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। असुवन जल सींच सींच। अब तो छटपट आती है प्रभु से मिलने, बहुत वियोगी वियोगिनी बन गई, भगवान के विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हृदय छटपटाने लगा। तो छटपटाता है भगत मिलने को, तो प्रेम के आंसू उमड़ते हैं मिलने के लिए, कभी रुदन करता है, कभी हंसता है, कभी महाभाव में चला जाता है। मीराबाई कहती हैं, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरो तो गिरधर गोपाल। अरे माँ, मेरा तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। भगवान की शरण में आइए, भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए, ये शरण में आने का एक सीधा मार्ग है। उन्हें कभी नहीं बिसारिए,
उठते बैठते सोते जागते नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते कमाई करते कभी भी भगवान को नहीं भुलाइए. भगवान आपके हृदय में आपके प्रत्येक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको कि आप क्या विचार कर रहे हैं. आपके कर्मों के विचारों के साक्षी हैं. पूरे विश्व के साक्षी भगवान हैं. आत्मा के अंदर वो विशेषता है जो परमात्मा के अंदर है, परमेश्वर के अंदर है. अंश रूप से जैसे सागर की बूंद में वही गुण तत्व है जो सागर के अंदर है. जैसे सागर सॉल्टी है ऐसे ही वो बूंद भी सॉल्टी है, तरल है, सेम क्वालिटी. ऐसे ही हम भगवान के ही अंश हैं, आत्मा है. इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी प्योर कॉन्शियसनेस का भगवान से मिलता है एकदम. लेकिन हम उस स्थिति पर नहीं है, हम प्योरिटी को खो चुके. इसलिए अभी भगवान को भी पहचानते नहीं है. अरे भगवान को तो दूर, अपने आप को ही नहीं पहचानते. और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में. कोई कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को, कोई कोई पूर्ण आत्मा सतोगुण में जीती है अपनी अपने जीवन को. नहीं, सतोगुण सुखकारी है. इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुंदर श्लोकों में ये तीनों गुणों का वर्णन किया है. आहार का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रवे अध्याय के प्रारंभ में ही. आहार भगवान ने क्यों रखा? क्योंकि ये मनुष्य या प्राणी या पंछी या देवता या देवियां या ब्रह्मा बड़े बड़े सभी आहार के ही रूप हैं. ये सारा हमारा शरीर ये आहार का ही स्वरूप है. जो जो आहार हमने किया खाया पिया वही तो डेवलप हुआ है. चाहे वो मां के गर्भ के अंदर कुछ आहार मिला हो या बाहर आने पे स्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पे अन्न जैसा भी अन्न खाया हमने, अन्न खाया, वेजिटेबल्स खाई, फ्रूट खाए, दूध पिया, माखन मलाई खाए, उसी से ये शरीर डेवलप हुआ है. तो प्रारंभ में टीचिंग देने वाली मां है, वो पहला गुरु है समाज का, ये शरीर का, बच्चे का, अपने बच्चे का मां गुरु है. जैसे जैसे मां उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खाता है पीता है और बड़ा होता जाता है. और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि यही भोजन अच्छा है मेरी मां खिलाती है, इसमें दोष क्या है? शुद्ध दूध है गाय का, पनीर है, मक्खन है, घी है, मिश्री है, गन्ने का रस है, सुंदर गेहूं की रोटियां हैं, बासमती चावल हैं, खा खा के मैं शरीर खुश है, प्रसन्न हूं. तो जो शुद्ध मां होती है वो सतोगुणी भोजन खुद भी करती है, अपने पति को भी करवाती है और अपने बच्चों को भी करवाती है. तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर सतोगुण में प्रबल होते हैं. उनके भावना में, मन मस्तिष्क में, बुद्धि में सतोगुण प्रबल अवस्था में होता है. सतोगुण की परसेंटेज हाई होती है. बाकी रजोगुण नीचे दबा रहता है, तमोगुण और भी बिल्कुल दब जाता है, सतोगुण दबा देता है. लेकिन जिन घरों में बच्चों को वायलेंट फूड खिलाते हैं, बचपन से ही केकड़े का सूप पिलाओ, गऊ के बछड़े कटते हैं संसार में उछलते हुए खिलाओ, कंछड़े बिच्छू खिलाओ, मक्खी मच्छर खिलाओ, टूना मछली खिलाओ, सुअर
तीतर कबूतर खिलाओ, जैसे जैसे खिलाओ, खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे, ऐसे उस परिवार में शरीर पैदा होते हैं वायलेंट ट्यू, वो दुखदाई है, वो रजोगुण और तमोगुण के अंदर वो परिवार बड़ा होगा, वो अंधकार में भटकेगा, दुख पाएगा, बीमारियों में छटपटाएगा, अपने इस जन्म को भी खराब करेगा और अगले जन्म को भी खराब करेगा। बच्चे दारू पिएंगे बड़े होके, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको सिखा दिया सारा, या सीख गए, पिताजी बड़े ड्रंकार्ड थे, तो बड़े होके बच्चे क्या करें, वो भी वही कर रहे हैं, और औरत क्या करे बेचारी, वो भी पीती है। लेकिन साइंटिस्ट भी बहुत क्लोज में गए हैं कि शराब, ज्यादा शराब पीने से ये हमारे ब्रेन के सेल्स नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह, आदमी विक्षिप्त पागल की तरह हो जाता है, जीते जी ड्रंकार्ड। फिर भी वो कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में एक पैग जैसे लगा लिया ठीक है, उचित है, लेकिन शास्त्र तो वो थोड़ी मात्रा में भी अलाउ नहीं करता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, ना कोई जानवर खाना और ना शराब पीना, ये दुखदाई है। दुख शोकामय प्रदा, ये बीमारी को देने वाले, चिंताओं को देने वाले और दुखों को देने वाले हैं। रजोगुण है ये, तमोगुण है, तमोगुण तो पूर्णतया विनष्ट कर देता है। नहीं, मनुष्य का ही नहीं, सभी प्राणियों का भोजन प्रकृति ने नियुक्त किया है। मनुष्यों के ऊपर तो विशेष कृपा भगवान की स्वयं की है, वो उपदेश करते हैं शास्त्रों में। भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना। जो मेरा भक्त प्रेम से मुझे कोई वेजिटेबल, पत्रम पत्ता गोभी, पत्ते पत्ते की सब्जियां बहुत तो आती हैं आप जानते हैं, चौड़ाई, पालक, पत्ता गोभी, पत्ते में सारी वेजिटेबल आ गई, पुष्प फूल, फूल गोभी, फूल गुलाब के फूल, कमल के फूल, कमल डंडी, कमल ककड़ी, ये सब सब्जियां बनती हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल सुंदर फल, तमाम फल हैं, ये अन्न भी फल है, अन्न भी फल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब फल हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी जल, शराब नहीं बोला भगवान ने कि कोई इस भक्त मुझे शराब अर्पण करे तो मैं स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं, मैं भी पैग मार लेता हूं कि मेरे भक्त ने अर्पण किया, नहीं, भगवान ने नहीं कहा। तोयम मीन्स जल, जल के लिए बोला, शुद्ध जल। जो शुद्ध लोग होते हैं, सात्विक बुद्धि के लोग होते हैं, वो जल पान करते हैं, जल पीते हैं, ना कि शराब। कोको कोला भी और पेप्सी कोला भी उनके लिए बीमारी का घर है, नहीं पीते है, ही प्रूफ है इस बात का। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यहाँ के गवर्नर कितनी कोशिश, मेयर कितना कोशिश करते हैं इसको बंद करने के लिए कि ये सुगरी चीजें मत पियो, पेप्सी कोला, कोको कोला, ये इसे डायबिटिक्स पकड़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं। नहीं, तोयम जल, फिर दूध है, मक्खन है, मलाई है, घी है, दही है, अमृत है, पांच अमृत कहा आयुर्वेद ने और शास्त्रों ने, पंचामृत, दूध है, दही है, घी है, मिश्री गुड़ कन्ने का रस है मीठा, ये सब अमृत जल है, ये पांच अमृत है, पंचामृत कह के बोला, भगवान को अर्पण करते हैं, जिसे हमारी बुद्धि में घुसे कि जो चीज भगवान परमेश्वर
स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो कितनी उत्तम होगी। इसलिए उनको अमृत का नाम दिया कि अमृत है, ये मरते हुए को भी जला देते हैं, ये नरक में जाते हुए को भी बचा लेते हैं, ऐसी बुद्धि में पलेटा मार देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। जो गऊ को आपने हरी घास खिला करके घर में पाला हो, प्रोटेक्शन दिया हो, जंगली जानवरों से बचाया हो, रखा हो, वो आपको और आप अपने बछड़े को जो दूध रिलीज करती है, वो दूध का बहुत महत्व है। उस दूध का पान करना चाहिए, पीना चाहिए, वो गुणकारी दूध है। लेकिन जिन गायों की डेयरी में से, डेयरियों में से दूसरी पड़ोसी गायों को ले जाके काटा जा रहा है और जो बच गई बैलेंस में, उनको अननेचुरल प्रकृत रूप से एक लंबा इंजेक्शन दे करके और इलेक्ट्रिक थुनों में इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा जो दूध को निकालते हैं, खींचते हैं, वो दूध में कहां प्रेम और कहां वो तत्व, जो तत्व एक सुंदर पाली हुई गाय के दूध में होता है। याद रखिए, जब मां भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तब वो जिस हिसाब से भी स्तनपान करा रही है, उसी प्रकार से उस दूध से उस बच्चे की बुद्धि और मन डेवलप होते हैं और भावना। इसलिए जो सच्चे हृदय की माताएं वो बच्चों को दूध पिलाते हुए स्तनपान, बोतल का दूध नहीं, अपने स्तन का दूध, तो दूध पीता है बच्चा और एक हाथ में गोदी में बच्चा है, दूध पी रहा है, और दूसरे हाथ से उसके बालों में, उसके अंग अंग पर सैल आ रही है, बालों में उंगली डाल रही है, वो प्रेम रिलीज कर रही है उस बच्चे को, वो उसका हृदय प्रेम भरा होगा, वो जिएगा जब तक। लेकिन आजकल तो अस्पताल में पैदा होता है बच्चा, वहीं बोतल शुरू कर देते हैं, वो भी माँ के द्वारा नहीं, नर्सेज या दाई माई घर पर जो भी कोई अपने क्या बोलते हैं नैनी रख लेते हैं, घर की जो सर्वेंट लेडी, वो उनको दूध घोड़ घाड़ के देती है कि पी ले, टाइम हो रहा है मुझे जाने का, मेरा वक्त हो गया, पी ले, पिए तो पिए नहीं कुआम पड़ तो कैसे प्रेम हृदय में पनपेगा बच्चे के। आहार का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये आहार के रूप है, ये अन्नमय कोश है। शास्त्र पांच कोशों का वर्णन करते हैं, उसमें पहला अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश क्या है? ये हमारा शरीर। दूसरा प्राणमय कोश है, जो हमारी ब्रीदिंग्स चलती हैं, प्राण वायु अंदर जाती है और अपान बाहर आती है, ये दूसरा है प्राण। ये यानी हम कहां पर, पांच कोशों के परकोटे के भीतर बैठी हुई एक आत्मा है, उसका वर्णन करते हैं शास्त्र कि अन्नमय कोश है पूरा 6 फीट का। फिर प्राणमय कोश है, इनका बहुत बड़ा बड़ा महत्व है इनका, आपकी सांसों का, आपके प्राणों का चलने का क्या प्रयोजन है, वो प्राण ऐसे ही काम करवा लेता है। क्रोध में जो प्राण वायु पान अपान चलता है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, क्रोध में कुछ और रूप हो जाता है इनका, भोजन करते हैं उस समय कुछ और रूप हो जाता है, सोते हैं जब और रूप हो जाता है। कहिए कि प्राण में कोश ही आपके रूप को चेंज करता है, आपके वातावरण को चेंज करता है, तो आपके प्राण में कोश भी अन्न में कोश के बाद निर्मित हुआ बना है।